एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो ये संडे शाम का जो है ना, मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किया है। ब्लॉग संडे से ही शुरू कर दिया था, शाम से राजमा मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो बस उनको सीटी लगाई है और ये राजमा मेरे बॉयल हो चुके हैं। राजमा थोड़े ज़्यादा डल गए थे, इसलिए मैंने जो है ना एक अलग बाउल में निकाल के रख दिए और इसको फ्रीज़र में लगा देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। तो जब मान लो एक दो दिन के बाद खाने होंगे तो फिर से इनको फ्राई कर लेंगे। और बाकी के जो मेरे पास कुकर में बचे हैं, इसके लिए मैं तड़का भी लगा रही हूँ। और तड़के के लिए मैंने जो है सूखी लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अजवाइन और साथ में जो है थोड़े से लहसुन का पाउडर है, प्याज है, और बस इसको भूनूंगी मैं। और थोड़ी सी हींग डाली है मैंने। और इसके बाद जो है ना, मैंने टमाटर जो है ग्राइंड करके रखे हुए हैं और वो भी ऐड करेंगे। पर उससे पहले ये देखिए, मैं डाल रही हूँ इसमें सूखे लहसुन का पाउडर, लहसुन जो सुखा के रखी होती है ना उसका पाउडर है। और साथ में जो है ना, यहाँ पे डालूंगी मैं इसमें इसके बाद गरम मसाला और हल्दी पाउडर, क्योंकि ये ऑयल अगर ज़्यादा लग रहा है आपको तो ये आप समझिए कि ये सब्जी में और दाल में तड़का लगना है, तो इसीलिए ये ज़्यादा लग रहा है। और इसके बाद जो है मैं इसमें टमाटर जो मैंने ग्राइंड करके रखे हैं, ग्राइंड इसलिए किए हैं क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है ना वो भी अच्छी हो जाती है। और जो टमाटर के छिलके जो मुँह में आते हैं ना जब आप राजमा की दाल या कोई भी दाल खाते हो, तो मैं इसे ग्राइंड करके ही डालती हूँ। लेकिन आज प्याज नहीं मैंने ग्राइंड की, क्योंकि प्याज आई थिंक दो या तीन ही थे छोटे छोटे, तो बस ऐसे ही तड़का लगाया था। और ये इसमें जो है ना, अब मैंने एक चीज़ और ऐड करनी है। देखिए अभी पहले लाल था ना, अभी ये आपको कलर कुछ और लग रहा होगा, तो मैंने इसमें जो है ना पुदीना सूखा जो होता है ना वो डाला था। और अब मैं इसका जो है ना ये हाफ हाफ कर लूँगी मसाला। और राजमा में थोड़ा ज़्यादा लगता है, बाकी सब्जी में तो इतना नहीं लगता, तो सब्जी के लिए मैंने इतना रखा है, बहुत है इतना। बस इसमें नमक ऐड करना है अभी, और राजमा भी थोड़ा सा नमक कम था तो इसमें भी थोड़ा सा नमक और डालेंगे। और साथ में जो है ना उसको कुकर का ढक्कन लगा के मैं इसको बंद कर दूंगी और इसमें नमक ऐड करूंगी मैं इसमें। और उसके बाद जो है ना इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और उसके बाद जो हमने सब्जी काट के रखी हुई आलू फ्रांस बीन की, उसको ऐड करेंगे। और आजकल का जो मौसम है ना, कभी समझ ही नहीं आता कि क्या बनाया जाए, बट हाँ थी आज मेरे पास आलू फ्रांस बीन, मतलब फ्रांस बीन ताज़ी ताज़ी थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी ऐड कर लेते हैं। और राजमा बनाए हुए बहुत दिन हो गए, तो फिर राजमा भी बना लिए साथ में, और अच्छी लगती है। जब तक कि फ्रेश सब्ज़ी आ रही है तब तक तो खानी चाहिए फ्रेश सब्जी। और बरसातों में थोड़ा सा वैसे भी है, लाइट लाइट ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि मौसम के हिसाब से आजकल लोगों को पानी की कमी हो जाती है, टाइफाइड वगैरह हो जाता है, तो इसीलिए फिर जो है ना जितना हो सके हरी सब्जियां वगैरह जो है ना वही खानी चाहिए। डोल के डोल के हेलो साम बाऊआ। बाऊआ तेरे लिए बैठा हुआ। अपनी हरकतें से मेरे को ये कुछ दिखा ला, ऐसे तेरी से क्या हुआ? दिखा और मेरे को साम दिखा ऐसे भी बता सकती है। दक्ष का घर नहीं है, दक्ष का घर नहीं है, जब पिछली बार वो ये जो है ना, और जाओ घास में सांप ही मिलेंगे तुम्हें, है ना। फिर उसके घर जा रहा था ना ऊपर, है ना, यहाँ से नहीं उस साइड से, जब उसका एक खेत है ना वहीं पे ऊपर जाते हुए बोर्ड के साइड में, है ना, वहाँ से सांप गया। तेरे को नहीं पकड़ा, हेलो बोल के गया, तो बच गया। मम्मी ठीक हूँ, मैं बच जाता हूँ, बच जाता हूँ, नीचे गिर जाएगा फिर। ओए पड़ेगा तेरे मुंह पे, दो जो दांत निकले हुए हैं ये आ जाएंगे बाहर। मैं कुछ गोश हूँ, कभी कोबरा बना होता है, कभी खरगोश बनता है, कभी बंदर बना होता है, कभी मेंढक बना होता है। मेरा बैलेंस भी था ना अभी तेरे को, मैं बताती कुत्ते को जरूरी आ गया आजकल रोटी खा गए। कब खाई तुमने रोटी? कब? कल शाम को। सुबह से लेकर क्या खाया? सिर्फ एक रोटी खाई है। उया 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 उया
मैं बहुत बुरी तरह से मारूंगी तेरे साथ आदमी। मैं भी बहुत बुरी तरह से मारूंगी। खेलना आता नहीं है। मैं भी खेल लूंगी फिर। मैंने ऐसे खेल नहीं, बस एक बारी अपना टाइम याद कर लेते हैं। चल आउट 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 है। चल 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 बाहर चल। आउट होते गलत गलत गलत। चलो आप चलो। कौन सी वाली? यहाँ से बस ये लेके जाओ और वहाँ जो चौथा ब्लॉक है ना उस साइड को, हाँ। वहाँ दो पैर रख सकते हो। हाँ, वो तो पता है मेरे को, पर वहाँ लेके हाँ, हाँ। चलो 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 चलो। हाँ वेरी ओ इधर नहीं तू कहाँ चला हट। दूसरी वाली जो बना नहीं आती यार। आती मेरे को नहीं आती वो। सोनी बता देती मेरे को। इसका बना दे सोनी जैसे बोल रहा। यार मम्मी ये फिर मिटाना पड़ना। क्यों मिटाना? मिटाना पड़ता है यार उसके लिए। कैसा बोल रही है? इसको चाहिए वो जैसे दो वाले नहीं आती ऐसे 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 दो। तो बीच का मिटा दे, बना हुआ तो है बीच का मिटा। उसको क्यों मिटा रही? ये बीच में वो करना पड़ेगा। बड़ी हुई है वाली वो नहीं खेल इसको और मच्छर ने काटा। हाँ तो मच्छर है बाहर। वो तो लगा वन टू। वन टू कर ले अब खुद। वन टू लगा। तू बना ले। मच्छर बहुत हैं सी। मच्छर लग रहे हैं तेरे को। अंदर बैठ जाओ। मच्छर लग रहे हैं। चलो अंदर। बना वन टू। अब बहुत सारे मच्छर है। देख कितने सारे मच्छर हैं। मच्छर खाएंगे और बीमार हो जाएगा। चल अंदर। बीमार हो जाएगा बता। रख दे इसको। वो देख मच्छर चल पड़े अंदर। दरवाजा बंद कर दे कर साथ साथ आराम से खोलना है। जरा सा खोलना, जरा सा खोलना। मच्छर 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 क्या क्या कर बंद कर बंद कर। रहने दे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रहा है? सोनी दिखी नीचे देख। क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? रोक्सू रोक्सू वो सोनी बोला एंची। हाँ कहाँ एंची? एंची कहाँ है? एंची
आया एंसी, आया एंसी, आना एंसी, रॉक्सी को रोटी लेके आना एंसी, रॉक्सी को रोटी लेके आना, नहीं आना? अच्छा मैं ऊपर हूँ, नहीं आया एंसी? क्या लगा? मम्मी ये रोटी वाली है, वो डुला से भी। आओ रख दे, रख दे। कब जा रहा है फिर तू ट्रैकिंग पे? जाएंगे पापा ने बोला जाएंगे। अब इसको करा दे ना डीपीएस में। किसने बोला? पापा ने। नहीं। हाँ। कब बोला? अभी तो अगर वो बोल तो दिया था। किसको बोला? डीलर सर को। हैं? स्कूल गए थे तुम लोग? ऐसे नहीं होती एडमिशन, टेस्ट लेना पड़ता है पहले। नहीं, टेस्ट पहले हो चुके हैं। नहीं अभी भी हो गए, अभी एडमिशन है ओपन। अच्छे से रखना इनको तय करके, नहीं तो तू गया मेरे से। तरीके से बात किया कर, डिलन तेरे से प्रिंसिपल है वो। हाँ डिलन, डिलन छोटा सा है जैसे, मैं भूल जाता हूँ ना, तेरे जैसे उसके आगे पोत्रू होने वाले हैं अब। मैं भूल जाता हूँ यार। हाँ देख ले फिर वीडियो कहाँ कहाँ जाएगी। कोई लग जाएगा पता, आज लग जाएगा पता। सीधा कर ले, सीधा कर, अच्छी बात है दोनों एक ही में जाएंगे। तुम मैं नहीं जा रही कहीं भी नहीं हो। क्या पीयू भी उधर ही है ना? हाँ मैं भी उधर ही है। मैं अलग में हूँ और उसकी बस भी अलग है। नहीं बस हमारी वही है। अरे कोई नहीं, लग नंबर ही है, लग जाएगा पता। क्यों लगती है बस में? नहीं वो उसकी बैकवर्ड नगर की है ना। तो बस फिर लग जाएगा पता। तो जब मतलब जब तुम सीनियर बिल्डिंग से आओगे लाइट, तुम दोनों कितनी क्लास में हो? सेम क्लास? सेम है, स्ट्रीम अलग अलग है। क्लास सेम है ना, तो आएंगे तो साथ साथ में ही ना, क्योंकि जब वहाँ पे लाइन अपिंग होगी तो साथ में होगी। चल चल तू अपने अपने कपड़ों को अच्छे से रख, झाड़ के होगी अभी लग जाएगा पता। लाइन अपिंग और तो बातें बातें करके चले जाना। या तो सुबह घूमने नगर की चले जाना, उसमें टाइम पास करके आ जाना है ना, जैसे तू कर लेता है उसमें। व्यू के साथ उधर रहेगी वहीं पे, वहां पे एक स्टॉप मम्मी जहाँ पे वो नहीं थी फूड हब, वहां पे रुकती तो है। कपड़े पहन लो, कपड़े बात से कम कर। तुम दोनों एक ही स्कूल में होंगे तो आने को कट्ठे रहेगा ना, ठीक? जिसकी बस पहले आ जाएगी वो वेट कर लेगा, अभी देखते हैं क्या बनता है। तो ये देखिए जी, ये दिन का है ये टाइम, ये शाम का टाइम नहीं है, दिन का टाइम है जब ये मैंने क्लिप बनाया था। और यहाँ से मैं अभी लंच करके जो है मैं घर से जा रही हूँ, और 2 बजे का टाइम है, और एकदम से ना धुंध ही धुंध इकट्ठी हो गई सारे में, और आजकल यहाँ का मौसम ऐसे ही है। तो यहीं पे जो है मैं आज के ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रही तो सब्सक्राइब करे भी ना मत जाना, और इन्जॉय कीजिए वेदर को। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।